किरतपुर से मनाली तक फोर लेन का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चला हुआ है। यह कारण है कि यहां पर मौजूदा नेशनल हाईवे अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। फोर लेन के निर्माण कार्यों में बरती जा रही ढिलाई और मौजूदा एनएच का उचित रखरखाव न होने के कारण स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले पर्यटकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मंडी जिला के पंडोह के पास एनएच इतनी खस्ता हालत में पहुंच गया है कि यहां यही पता नहीं चलता कि सड़क कहां पर है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और साथ ही लगती नालियां पूरी तरह से जाम हो गई है। हाईवे पर चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है। स्थानीय निवासी बंटू और बालक राम ने बताया कि उन्होंने इस बारे में एनएच विभाग, एनएचएआई और यहां फोलैंड का कार्य कर रही केएमसी कंपनी के पास गुहार लगाई, लेकिन तीनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। इन्होंने सरकार व प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह में नेशनल हाईवे की दशा नहीं सुधारी गई, तो फिर सभी स्थानीय लोग मिलकर चक्का जाम कर देंगे। लोगों ने बहुत बार लोक निर्माण विभाग को, एनएचएआई को और केएमसी को फोन किए, पर्सनली मिले, वो आज और कल की बात करते हुए लोगों को टाल रहे हैं। इस नाली के बंद होने के कारण गंदगी फैली होती है, धूल ही धूल होती है, लोगों का जीना दूभर हो गया है। इतना ही नहीं, हल्की सी बारिश में भी छोटे छोटे वाहन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इनका चलना मुश्किल हो जाता है। इस गंदी नाली की निकासी ना होने के कारण इस सड़क से विशेष रूप से स्कूली बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका आना जाना मुश्किल हो गया है। दो तीन दुर्घटनाएं यहाँ हो चुकी है। हमारा विभाग से और राज्य सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस सड़क में जो जहाँ जहाँ भी गड्ढे दिख रहे हैं उनकी भरपाई की जाए और इस नाली की निकासी को तुरंत बहाल किया जाए, जिससे आने वाले समय में स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और लोग बीमारियों से बच सकें। ये चंडीगढ़ नाली नेशनल हाईवे है। यहाँ पे चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जो रोड है, ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक एक फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। कम से कम दो तीन महीने हो गए हैं और हमने कई बार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के से बात की इस चीज़ की कि भाई इस रोड के लिए कुछ मेंटेन करो, इस रोड को गड्ढे गुड्ढे की कुछ करिए इस गड्ढे का। तो उन्होंने कहा ये रोड एनएचआई के अंडर है। हमने एनएचआई से फ़ोन पे बात की तो एनएचआई बोलती है कि ये काम केएमसी के अंडर है। केएमसी का केएमसी का काम है तो ये केएमसी को ही दिखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे कितने गड्ढे पड़े हुए हैं। हम दो तीन महीने से उनको केएमसी को फ़ोन कर रहे हैं बार बार, वो ना हमारी बात सुनते हैं ना कुछ। और अब हमने स्थानीय जो जनता है यहाँ की, अभी इन्होंने यहाँ से एक यह है कि अगर ये गड्ढे दो चार दिन तक नहीं भरे तो हम चक्का जाम कर देंगे यहाँ पे नेशनल हाईवे का। और इस बारे में केएमसी कंपनी के प्रबंधक राजशेखर से बात की गई तो उनका कहना था कि यहाँ नेशनल हाईवे की मुरम्मत का कार्य एनएचएआई के किसी और ठेकेदार को दे दिया है और वही ठेकेदार इस कार्य को करेंगे। बता दें कि हाल ही में सीएम जयराम ठाकुर ने अपने मंडी दौरे के दौरान एनएच की दुर्दशा पर एनएचएआई के आरओ को मंडी तलब करके उनके एनएच की दशा सुधारने की सख्त हिदायत दी थी। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में बताया था कि दशहरे के दौरान बेहतर सड़क सुविधा मुहैया करवाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। हमारी मुश्किल है कि पहाड़ी स्टेट होने के कारण जो है जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं तो ये डैमेजेस एक दौर में तो होते ही होते हैं, लेकिन फिर भी उन कंपनीज को हमने बोला है कि उसमें जो भी सुरक्षा के जो पैमाने हैं, जो मैयर्स हैं, सिक्योरिटी मैयर्स हैं, उनको एंश्योर करें, उसमें कतई भी ये ढील ना बरतें। कोशिश की है लेकिन और ज़्यादा सख्ती के साथ हमने पिछले कल बोला है और जिसको हमने ये भी कहा है कि भाई अगर उसमें कोई भी अगर इस तरह की कोताही करते तो उनके लिए जो हमारे जो प्रोविजन हैं उनके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट करने के वो भी किए जाएंगे, ताकि जो है कंपनी जो है कम से कम मानव जीवन के प्रति कभी भी वो गंभीरता ना छोड़े। तो ये इस तरह की हमने कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि दशहरे तक जो है उसको काफी हद तक ठीक करने की कोशिश की। सीएम के इन सख्त आदेशों का एनएचएआई ने अभी तक पालन करना तो शुरू नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस ओर ध्यान देकर इस दुर्दशा को सुधारा जाएगा। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।